सर्वेक्षण विशेषज्ञ सुनील कानू गोलू ने दरअसल सर्वे करवाया है। रायबरेली सीट को लेकर इंटरनल सर्वे करवाया गया है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सर्वे कराया है। सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपी गई है। किसी भी वक्त प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी प्राप्त हो रही है। रायबरेली सीट को लेकर इंटरनल सर्वे करवाया गया है। इंटरनल सर्वे इसलिए कि रायबरेली की जनता का मूड क्या है, जनता आखिरकार क्या चाहती है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को चाहती है या किसी अन्य प्रत्याशी को चाहती है, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर खास तौर पर उम्मीदवार किसको चाहती है, जनता का रुझान क्या है, क्या जनता का मूड है, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये सर्वे दरअसल करवाया गया था। सर्वेक्षण विशेषज्ञ सुनील कानू गोलू ने सर्वे करवाया। शिव प्रसाद मेरे सहयोगी इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर शिव प्रसाद आपका रुख करते हुए, ये सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के बाद ये कहा जा रहा है कि हमने लोगों की राय ली है और किसी भी वक्त प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान भी हो सकता है, जनता का क्या कहना है, क्या इस सर्वे में सामने आया शिव प्रसाद? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस बातें कर रही थी और रायबरेली की जनता खासकर कांग्रेस जो यहाँ का पुराना कांग्रेसी संगठन रहा और चाहे नया, उसमें एक सर्वे बहुत पहले से प्रियंका की टीम कर रही थी और जिस प्रकार से इनका सर्वे आया है उसमें सभी लोग मांग कर रहे थे कि गांधी परिवार और गांधी परिवार से प्रियंका गांधी वाड्रा अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती है तो ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जिस प्रकार से आज सर्वे रिपोर्ट आई है और जो चर्चा है कि आज शाम तक प्रियंका गांधी का नाम जो है रायबरेली के लिए घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन एक बीच में यह भी चर्चा आ रही है कि अब जो बीच में चल रहा है कि क्योंकि इनकी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें फैसला नहीं हो सका, फिर यह था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे निर्णय लेंगे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि कहीं इनको अमेठी न भेज दिया जाए ऐसी भी चर्चा रायबरेली में निकल रही है कांग्रेसियों के। लेकिन इस सर्वे से अब ये बिल्कुल लगने लगा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल शिव प्रसाद, और ऐसे में देखिए जो नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा का वो सामने आ रहा है। शिव प्रसाद आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम साझा करेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। रायबरेली से चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती हैं, फिलहाल ये जानकारी है। रायबरेली में समन्वय समिति का गठन किया गया है। समन्वय समिति में कुल मिलाकर 24 सदस्य हैं। 1 या 2 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन भी कर सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 3 मई को राहुल गांधी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आप तक साझा कर रहे हैं। रायबरेली में समन्वय बैठक, समन्वय समिति में कुल मिलाकर 24 सदस्य हैं और 1 या 2 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो नामांकन भी दाखिल कर सकती हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 3 मई को राहुल गांधी भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी को लेकर 3 मई की तारीख सूत्र बता रहे हैं और आपको बताएं कि अमेठी में भी 3 मई को ही आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, और इस लिहाज से अगर अमेठी से कांग्रेस राहुल गांधी को उतारती है तो 3 मई को अंतिम तारीख होगी और 3 मई की तारीख राहुल गांधी के लिए सूत्र बता रहे हैं। 2 या फिर 1 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। हालांकि इससे पहले हमने आपको बताया कि बाकायदा एक सर्वे भी करवाया गया जिसमें रायबरेली की जनता ने ये बताया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़वाया जा सकता है।